अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रविवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संवाद भवन में सेल्फी विद कैंपस यूनिट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर एबीवीपी के महामंत्री सौरभ कुमार गौड़ ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित कार्यशाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को महानगर में आने वाले विद्यालयों, डिग्री कॉलेजों, टेक्निकल कॉलेजों में जाकर सेल्फी विद कैंपस के बारे में बताया गया। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 35,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित कार्यशाला में प्रांत संगठन मंत्री आनंद गौरव, गोरखपुर के महानगर उपाध्यक्ष वेद प्रकाश राय, गोरखपुर महानगर के उपाध्यक्ष स्मृति मल सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एबीवीपी के महानगर मंत्री सौरभ कुमार गौड़ ने कहा, जब आप इकाई गठन करने के लिए जाएंगे और तब उस समय आपकी बोलती बंद हो जाएगी वहाँ, इसलिए मेरा आपको अनुरोध है कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा भी आप बैठा है, तो इसलिए इस अभियान को लेकर के आप जो है सीरियस होकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर हमने लगभग कितने कॉलेज कार्यकारिणी गठन का अभियान लिया है, 94 कॉलेज की कार्यकारिणी गठन करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, और इसको करने के लिए हम सभी लोगों को जो है पूरी ताकत से लड़ना होगा। तो इस तरह से हम सबको अपने तरफ से पूरी तैयारी करके जंग में जाने से पहले जैसे पूरी तैयारी करते हैं, तो हमें उस पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरना पड़ेगा। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आज जो लोग बैठक में मौजूद हैं उनको जो है कॉलेज जाते हुए और दूसरी कार्यशाला इससे ही जुड़ी हुई सदस्यता की है, तो दोनों ही कार्यशाला डिफरेंट है, काम अगले 2 महीनों में होने हैं और बार बार कार्यशाला नहीं होगी, इसलिए एक दिन में दोनों कार्यशाला दोनों सत्रों में रखी गई है, इसको सीरियसली करने की जरूरत है हम लोगों को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर के द्वारा आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आज सेल्फी विद कैंपस यूनिट एवं सस्ता अभियान की कार्यशाला चला रही है। सेल्फी विद कैंपस यूनिट की जो अपनी कार्यशाला है उसमें जो हम लोग पिछले बार सेल्फी विद कैंपस जो अभियान हम लोग का था, जिसमें हम लोग महानगर में सभी महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज एवं इंटर कॉलेज एवं टेक्निकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमें जाके विद्यार्थियों के साथ, वहाँ के स्कूल के लोगों के साथ, वहाँ के शिक्षकों के साथ एक सेल्फी लेनी थी। इस बार ये अभियान में हम लोग की परिवर्तन हुआ है। इस बार अभियान का नाम है सेल्फी विद कैंपस यूनिट, जिसके अंतर्गत हम लोग जिस कॉलेजों में पिछले वर्ष हम लोग संपर्क किए थे वहाँ पर हम लोग उन कॉलेजों में जाएंगे, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक नई कार्यकारी बनाएंगे और उस कार्यकारी के साथ और स्कूल के लोगों के साथ सेल्फी लेंगे। दूसरा अभियान हम लोग की सदस्यता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, जो हम लोग का संगठन को सदस्यता के माध्यम से ही और लोगों के जोड़ने के ही माध्यम से हम लोग की जो संगठन है मजबूत होती है। इस बार महानगर का लक्ष्य है कि महानगर में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना बचे जिसके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विचार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या और किस दिशा में कार्य करता है ना पहुँचे। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर के द्वारा 35,000 सदस्य बनाने का गोरखपुर महानगर में लक्ष्य है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज में इकाई बनाएगी। इस कार्यशाला में प्रांत संगठन मंत्री आदरणीय आनंद गौरव जी उपस्थित रहे, गोरखपुर महानगर के महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश राय जी, गोरखपुर महानगर के महानगर उपाध्यक्षा डॉक्टर स्मृति मल जी उपस्थित रहे। ये कार्यशाला जो है 4 सत्रों में चलाया गया। नमस्ते।